गोपियां सुंदर कथा सुनाती भगवान को, सुनना कौन सी कथा सुनाती गोपियां सुनाती। महाराज एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, पति के चरणों को दबाती फिर सोती। जिसका विवाह हो गया उस स्त्री का धर्म है पति के चरणों को दबा करके शयन करना, क्योंकि पति के पाद में शुक्र भाग होता है, चरणों में शुक्र भाग होता है। और जिस घर में निर्धनता हो उस घर की अगर स्त्री अपने पति की भाव से अगर सेवा करे, और पति भी बिना क्लेश लड़ाई किए हुए घर पर रहे, तो साहब हम व्यासपीठ से आपसे कहते हैं उस घर की दरिद्रता भाग जाएगी, वो धनवान हो जाएगा। गोपियां कहती ठाकुर हम आपको एक कथा सुनाना चाहते। भगवान बोले सुनाओ। एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी अपने पति की खूब सेवा करती। अब देखना जिसका विवाह हो गया उन स्त्रियों के लिए बड़ी प्यारी बात है, कैसे रहना चाहिए घर में। सबसे पहले घर पर भोजन बनाए तो ठाकुर जी को भोग लगाए, घर की पहली थाली भगवान के लिए हो। जो भगवान के लिए पहली थाली नहीं निकालता, सबको खाना खिलाता, ध्यान दीजिएगा खाना खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा, भोग लोगे तो भोगना पड़ेगा, और ठाकुर का प्रसाद पाओगे तो तुम तक जाओगे। इसलिए रोज ठाकुर का प्रसाद पाओ, पहली थाली भगवान के लिए लगाओ अपने घर में। किसके लिए? माताएं ये जरूर ध्यान से सुने, आप अपने घर में शांति चाहती, पति का माथा गर्म रहता, पति आपको गाली बकता, हम आपको बड़ी अवसीकरण मंत्र बता रहे, सुनिए क्या उपाय है। पहला उपाय, आप अपनी रसोई में बिना नहाए प्रवेश मत करो, पहला उपाय। और आजकल की माताएं राम बचाए, राम 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 राम, दो दो दिन ना नहाए, कुछ सब नहीं कुछ ठंडियों का, अरे महाराज ठंडी बहुत, माता जी गांठ बांध लीजिए। आप अपने घर में शांति चाहते, अपने परिवार की उन्नति चाहते, तो पहला सूत्र रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश मत करिए, दूसरा सूत्र रसोई घर में चप्पल लेकर के मत जाइए, तीसरा सूत्र रसोई घर में जूठन मत डालिए, चौथा सूत्र जो रसोई बने वो भगवान का नाम लेकर के बनाइए, और रसोई का पहली थाली अपने घर के मंदिर के ठाकुर को प्रसाद लगाइए। और महाराज उस थाली का प्रसाद घर में जितने सदस्य रहते हैं सबको थोड़ा थोड़ा बांट करके खिलाइए। हम दावे के साथ कहते कि आपके घर में सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, घर में शांति रहेगी। और आजकल यही कमियां सबसे ज्यादा है, माताएं आलस के कारण आजकल जो है रात को ही आटा गोंथ के रख देती, सुबह भी यही काम आए, फ्रिज में रखा हुआ आटा दरिद्रता का सूचक है। लेकिन माताएं आजकल आलसी है ना, कुछ करना नहीं चाहती, चप्पल पहन के और जूठन भी वही चेक कर लेती, तीखा तो नहीं है मीठा है कि नहीं। तो माताओं जो चार सूत्र याद रखना, पहला सूत्र बिना स्नान के रसोई घर में प्रवेश मत करो, दूसरा सूत्र है पादुका चप्पल पहन करके रसोई में मत जाओ, तीसरा सूत्र है रसोई घर में भोजन मत करो, और चौथा सूत्र है रसोई घर में जब तक रसोई बनाओ तब तक मुख में भगवान नाम विट्ठल नाम लो, आपका घर घर नहीं घर मंदिर बन जाए। आपका पति क्रोध करता है, ये उपाय करिए। आपका पति प्रेम नहीं करता, गाली बकता, ये उपाय कीजिए। ये वशीकरण मंत्र है, आप फैल हो जाएंगे पर ये मंत्र फैल नहीं होगा।